क्या नाम हुआ भैया? यहाँ का विधायक निकम्मा है एक, और उसको हारना है चुनाव। यहाँ का सपा चुनाव सपा निकाले कन्फर्म राज में किसके बिना की इतना लंबा हम लोग नहीं जानते हैं। हम फेफना विधानसभा के हैं, फेफना विधानसभा की बात कीजिए। चलिए तो कौन बनेंगे यहाँ से विधायक? यहाँ से विधायक वही बनेंगे, भाजपा भी है कई पार्टियां है, ठीक है, लेकिन संग्राम का अब भाजपा का वोट जो है कई वजह से वोट कट रहा है। भाजपा का वोट कट रहा है, सपा का नहीं? भाजपा लड़ रही है, ओबीसी लड़ रहे हैं, सब लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू शर्मा और आप देख रहे हैं कमिंग बार। अभी हम लोग बलिया जिला के फेफना विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं कि आने वाले जो 22 में विधानसभा चुनाव होने हैं, किसकी सरकार बनने वाली है, और वर्तमान में जो 5 साल से योगी की सरकार है, उन्होंने अच्छा काम किया है या नहीं किया है। क्या नाम होगा बाबा? क्या नाम है? राम परवेश। 5 साल से योगी जी की सरकार है, क्या कुछ मिल रहा है आप लोगों को? कुछ वो नहीं मिल रहा। किसकी सरकार आएगी फिर? अब पता ना बाबू, हम तो सरकार मांगते नहीं, बहन जी के। बहन जी के का योगी जी पसंद नहीं के? ना, बड़ा दुख बा। बहन जी के हम अखिलेश के मंगा था। का है अखिलेश के? का है और अवेसियो लड़ता? अरे तो का करे, अवेसी के लड़ने दीजिए, लड़ने दीजिए। अवेसी के ना हमारा साइकिल से मतलब है, आप हो जाइए अपना। और भी जा रहे हैं, बात करते हैं उनसे। चलो, क्या नाम हो भैया? शिव कुमार सिंह। क्या लगता है 22 में विधानसभा चुनाव होने को किसकी सरकार आने वाली है? भाजपा की सरकार आने वाली है। भाजपा की सरकार आएगी? कुछ लोग तो कह रहे थे कि अखिलेश की सरकार आ रही है। अरे भाई, जिसको जो समझ में आएगा वो बोलेगा, जिसको जो अच्छा लगता है वही बोलता है। जिस आप अच्छे हमको लगेंगे तो हम आपको अच्छे बोलेंगे, किसी और को लगेंगे तो किसी और को बोलेंगे। 5 साल में भाजपा ने कौन से ऐसे अच्छे काम किए जो फिर से दोबारा? 5 साल में भाजपा ने ऐसा काम किया है कि जो अभी तक कोई सरकार नहीं की है। वो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ से गुंडागर्दी, अच्छा, जो समाज में लोग आज शांति व्यवस्था अपने आप को मैंने सुरक्षित मान रहे हैं, वो इससे पहले नहीं थी। सपा तो आरोप लगा रही है कि अभी भी दबंगई बढ़ा हुआ है, तो उसको दिख रहा होगा, हमको तो नहीं दिख रहा है। हमको तो दिख रहा है कि दबंगई नहीं, हाथरस कांड गिना रही है। और उसके पहले जो मुजफ्फरनगर की कांड है वो नहीं गिना रही है, उसको भी गिनवाए। जो अभी यहाँ मऊ में हुआ था उसे भी गिनवाए, जो वहाँ पे गोली चली थी राम मंदिर जी समय टूटा था उस समय गोली किस पे किसने चलवाया? तो आप स्वीकार करते हैं कि हाथरस में कांड हुआ वो भाजपा के कार्यकाल में? नहीं, भाजपा के कार्यकाल में हुआ है, ऐसे संजोग वश हो जाता है कभी कभी, कोई जानबूझकर वो कांड नहीं हुआ है। महंगाई इतनी बढ़ गई, आखिर भाजपा को क्यों लोग? ये चीज हम कहेंगे, इस समय महंगाई हुई है, ये काटने वाली विषय नहीं है, ना कोई कह पाएगा कि नहीं महंगाई नहीं हुई है। महंगाई हुई है तो जनता को सुविधा भी तो मिल रही है। क्या सुविधा? अरे अब ये देखिए, अब और बाकी लोग ऐसे पूछिए क्या सुविधा है, नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि जो नमक दिया जा रहा है उसमें बालू और पत्थर मिले हुए हैं। तो कह लिए लोग ले रहे हैं, फिर भी ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं भाई? ले करके दुकान पे बेच रहे हैं, क्यों ले रहे हैं भाई? जब उसमें बालू पत्थर है तो हमें लेने की जरूरत क्या है? खाएं भी और गुण भी न गाए। लगता है आपको कि फिर से योगी जाएंगे? आएंगे ही आएंगे। हमको ना राशन मिलता है भाई, ना हमको कोई सर्विस मिली है, ना कुछ। आपको खुद नहीं मिला फिर भी भाजपा आएगी? हाँ, इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे, ये चाहते। कई लोग तो कह रहे हैं कि योगी जी मठ में चले जाएंगे। अरे योगी जी 5 साल मठे में थे, 5 साल मठे में थे। मठ में कहाँ, अभी तो राज चला रहे हैं। चला रहे हैं ना, तो जब उनकी सरकार नहीं रहेगी तब देखा जाएगा क्या करेंगे। चलिए, इनका कहना है कि भाजपा की सरकार। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? और नाम से का नाम बताओ, कोई दिक्कत हो बाबा? नाम से का मतलब? चलो तो 22 में केकर सरकार आई? अब जेकर आवे। वृद्धा पेंशन मिलेला? ना। आवास के पैसा मिलेल? ना। शौचालय के? कौनो नहीं मिले। राशन? राशन मिलत तो राशन से काम चली। राशन से काम ना चली? 5 किलो चाउर गेहूँ से गुजर हो जाई। नमक और तेल से मिलता? वही से गुजर हो जाई। ना होई? ना। का होई? का का चाहिए बोलो। देखिए पहले पहले वाली ना खतरा नहीं है, जा यही में खतरा नहीं जा। का ही सरकार ना आवे चाहिए? ना ये सरकार ना चाहिए, ना चाहिए, ना चाहिए। भैया तो कहता है कि फिर से ही है। ठीक बा, जेकर जहां मनसिजा बटे तहां कर।
तू केकर लावेल चाहता अखिलेश के मायावती के ना है मायावती अखिलेश के मायावती हो वैसी से हो बाजी चिरागो लड़ता चुनाव केहू लड़ो अखिलेश ही है ना चलिए और भी कुछ लोग है कौन से बात करते हैं क्या नाम हो भैया यहाँ का विधायक निकम्मा है एकदम और उसको हारना है चुनाव यहाँ से सबका चुनाव निकालेंगे सपा निकालेंगे एकदम कन्फर्म राज्य में किसकी सरकार बनेगी राज्य में किसके बिना की इतने लंबा हम लोग नहीं जानते हैं हम फेफना विधानसभा के हैं फेफना विधानसभा की बात कीजिए चलिए तो कौन बनेंगे यहाँ से विधायक यहाँ से विधायक वही बनेंगे ये क्या कहते हैं अरे संग्राम यादव का है भाजपा भी है कई पार्टियां है ठीक है लेकिन संग्राम का अब भाजपा का वोट जो है कई लोगों को खड़े होने की वजह से वोट कट रहा है भाजपा का वोट कट रहा है सपा का नहीं सपा का भाजपा लड़ रही है ओबीसी लड़ रहे हैं हाँ सब लोग वोट काटने में भाजपा के लगे हैं ओबीसी और बीएसपी सेफ है सपा का वोट सेफ है सपा का ही वोट सेफ है तो ओबीसी किसका वोट काटेंगे हैं ओबीसी मुस्लिम वोट जो काटेंगे किसका काटेंगे मुस्लिम वोट में कोई ज्यादा खास असर नहीं सपा को ही जाए सपा को ही वोट जाए एकदम चलिए इनका कहना है सपा का ही किन्हीं का कहना है भाजपा जो सही है वो बता रहे हैं हम तो थोड़ी ये फाल्स थोड़ी बोलना है देखिए इनका कहना सही है सभी लोग अपनी अपनी बातें को रख रहे हैं किन्हीं का कहना है सपा की सरकार आएगी तो किन्हीं का कहना है कि यहाँ पे सपा ने अच्छा काम किया तो कोई कह रहा है कि भाजपा की सरकार आएगी और भाजपा ने अच्छा काम किया ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ तब तक के लिए धन्यवाद।